बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया जी नूडल्स पकौड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। लो जी, 210 ग्राम में लिया गया बेसन, इन्हें छान के साफ कर लिया। दो मीडियम साइज प्याज, इनको मैंने काटा है और उसके बाद इनको मल के धोया तो ये लदा लदा पीसेस हो गए इनके, ठीक है। एक टेबल स्पून अनारदाना, एक टेबल स्पून सूखा धनिया, एक टेबल स्पून चिली पाउडर और एक टेबल स्पून नमक, ऐसा सारा कुछ एक टेबल स्पून ले आ रही है। सौखा जहा काम। ये नूडल्स का, चिकन नूडल्स का एक पैकेट लेके उसको मैंने बना लिया जैसे हम खाने के लिए बनाते हैं। एक कप पालक, दो हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, इनको काट के धो लिया। और ये जी आधा किलो आलू, इन्होंने मैं सॉफ्ट बॉयल कर लिया तो पीसिस कट लिया, इन्होंने सब तो एंड च पाना है असं, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार बरसात का मौसम, मज़ा आ जाएगा थानू, ठीक है ना जी। ऐड कर दिए सारे मसाले बेसन के अंदर, ठीक है जी। और साथ ही हम इसके अब बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर डालेंगे। एलो जी प्याज भी शामिल कर देता है जी मैं बिच, और अनारदाने का टेस्ट तो आपको पता ही है, फिर पकौड़े तो अनारदाने के बगैर ना बनते। जो उसका टेक्सचर आता है, ऐ जी पालक, धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये भी ऐसे शामिल कर लेंगे। अच्छा, पालक भी इस टाइम थोड़ी धारा है धोने तो बाद गिली होंगी है। नूडल्स पा रहे हैं असं, उस भी थोड़ा जहा 2-3 चम्मच पानी है, लिहाजा असं पहलों सारिया चीज़ा मिक्स करके देखा है कि सानू मजीद पानी की जरूरत है, वही ना हो कि बस खलारा ही पै जाए, ठीक है ना। हम नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना उसको हमने सामने रखना है कि कैसी है। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब आलू जो है ना एंड पे डालेंगे। आलूओं ना असं मैश करना है, ना ही हाथ नाल बारीक करना है, बस जेडे असं 4-4 पीस करके मैं बॉयल किया है ना, तो एक पीस के 3 टुकड़े करने ना तुसी, इस तो ज़्यादा नहीं करने। इसका फिर जो मज़ा आता है, और हर चीज़ पकी हुई है, कोई मसला नहीं है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पालक को भी कोई टाइम नहीं लगता, प्याज को भी कोई टाइम नहीं लगता, आलू हमारे पके हुए हैं, बस बेचारा आखिर च बेसन ही रह जाना है, वो असं इन्ना थोड़ा पाया। और जो इसमें फिर नूडल्स का टेक्स्चर आता है, मज़ा आता है, आप खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। चलें जी, अब हम अपना फ्राई करने वाला काम शुरू करते हैं। तुहाडी मर्जी है, छोटे बना लो, वड्डे बना लो, मैं मीडियम साइज़ दे बना रही हूँ। और बस ये समझ लें कि सामान तैयार हुआ नहीं, और ये बने आप अफ्तार दे टाइम अगर खाना चाह रहे हो तो बस समझ लो 10 मिनट पहले तुसी रखो तो सारे बन जाने ने। बड़े आसान और बड़े ईजी और बहुत ही जल्दी कुक होने वाली रेसिपी, और टेस्ट तो क्या बात है। ये देखें जी, हमारा घी जो है वो ऑयल हमारा फुल गर्म है, और बस एक साइड से ब्राउन हुए तो दूसरी साइड से किए तो हमने बाहर निकाल लेने हैं, इतना ही टाइम लगना है इनको। ये जब भी मैं बनाऊं तो हमारे घर वालों को तो ये बहुत पसंद है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। चलिए अब हम इनको पलट के देखते हैं जी कि कितना का हमारा जो है वो पक गए हैं ये पकौड़े। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, तुसी देखना ये नूडल्स जड़े ने ना उन्हों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चिकन नूडल्स का सॉफ्ट बहुत बनते हैं, सबसे बड़ी बात ये इसके साथ ना। और आम जो हम पकौड़े बनाते हैं उनसे थोड़ा हटके है, तो फिर कोई चीज़ अलहदा टेस्ट की हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है पसंद तो आती है। तो ये बरसात के मौसम में या रोज़ों में जब आपका दिल करे बनाएं और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। तो अभी ये देखते हैं हम इनको पलटा के कि हमारे जो हैं ये पकौड़े कितने का जो है, एक साइड जो हमारी बस 2-3 मिनट के बाद पलट दें। ये देखें क्या गोल्डन टेक्सचर आया है इनका, ये लें जी। बस बेसन का आपने ख्याल रखना, उत्ते चढ़ाना नहीं बेसन, जैसे हम आम पकौड़े बनाते हैं ना तो बेसन हम ज़्यादा डालते हैं, इसके अंदर बेसन नहीं ज़्यादा डालना। बेसन बस आपने समझ लें ना इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है कि हमारे पकौड़े जो हैं वो जुड़ जाएँ, बस इससे ज़्यादा आपने बेसन नहीं यूज़ करना, ठीक है जी। तो बनाएंगे, देखें डिश आउट कर लिए मैंने, साथ मैंने दही की चटनी बनाई है काली मिर्चों वाली, साथ मैंने केचप रखी है, और देखें क्या इनकी ज़बरदस्त शक्ल आई है। तो खाण में तो फिर इस तो भी ज़्यादा मज़ेदार ने, आप जब खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। चलो जल्दी जल्दी बनाओ तो इंजॉय करो। और ए हम मैं तुम्हें मेरा एक पकौड़ा जोड़ा ना मैं तुम तोड़ के भी दिखावगी, और ये देखें जी मैं इसको तोड़ती हूँ, ये देखें बिल्कुल इतने ज़बरदस्त और सॉफ्ट इतने हैं ना कि बस। YouTube पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दें, यही हमारे लिए इनाम है। अल्लाह हाफिज़।